Hello, students. How are you? I hope that you will be fine. Now, I will make the video for you for the chapter Study of Continents Case Study, chapter 7C Study of Continent Case Study. First, in this chapter, we will study about the cocoa cultivation in Ghana. Regarding the cocoa cultivation in Ghana, Ghana, that is the famous for the cocoa cultivation and whatever the chocolates you are eating that we are getting from the cocoa cultivation cocoa plant it is a an evergreen plant and it produces the seeds these seeds are known by the name of the cocoa beans and it is the basic ingredient in the modern confectionery means whatever the modern confectionery or the chocolates or whatever the chocolate drinks we are having चॉकलेट बिस्किट्स वी आर हैविंग दैट ऑल यूज इट एज एन इम्पोर्टेंट इनग्रेडियंट एंड दिस इज एक्सटेंसिवली प्लान्ट इन द एरियाज ऑफ द गल्फ़ ऑफ गोएना इन वेस्ट अफ्रीका वॉट इट मीन्स डेट इट इज़ ग्रोन इन द गल ऑफ गोएना एंड दिस गल्फ ऑफ गोएना इज़ इन द अफ्रीका और जो कंट्रीज इसमें इंक्लूड है घाना नाइजीरिया आइवे कोस्ट लिबरिया सीरिया लियोन Togo, Dahme, these are the areas or these are the countries where the cocoa cultivation is done. Ghana and Nigeria, these are the major producers of the cocoa. Once again, I am repeating that the cocoa cultivation is mainly done where in the Ghana and Nigeria, which is lying near the gulf of guania in the west africa then the what it is cocoa trees grows to the height of 4.5 meter means what is the actual height of the cocoa plant that can be more but act that it has been pruned so that it cannot attain much height its height is 4.5 meter cocoa tree has large Oblong leaves and pink or yellow flowers means it is bearing the pink or the yellow flowers and it is directly growing from the trunk. When the flower dies, it leaves a yellow cucumber shaped fruit, means it is having a yellow cucumber shaped fruit or cocoa pod. और एंड इट इज़ कंटेनिंग थर्टी सीड्स इन इट व्हाट इट मीन्स दैट द हाइट ऑफ द ककोआ प्लांट इज फोर पॉइंट फाइव मीटर एंड इट इज़ हैविंग द पिंक और द येलो फ्लावर्स और दैट ग्रोज डायरेक्टली ऑन द ट्रंक एंड व्हेन द फ्ला डाइज देन व्हाट हैपन्स जो लीव्स इट लीव्स अ येलो ककम्बर शेप्ड फ्रूट इसका जो ककम्बर शेप टाइप फ्रूट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ ककोआ पॉड और उसमें थर्टी सीड्स होते हैं हाउ मेनी सीड्स इट इज़ कैरिंग अप्रोक्सीमेटली थर्टी सीड्स लुक एट हेयर दिस इज ककम्बर शेप पॉड जब फ्लावर इन प्लेस ऑफ द फ्लावर ये देखो फ्लावर से ये प्रिपेयर होते हैं ककम्बर शेप येलो ककम्बर शेप पॉड और इस पॉड को जब हम ओपन करते हैं तो इसमें से अप्रोक्सीमेटली थर्टी सीड्स निकलते हैं एंड दैट इज दीज फ्लैटन सीड्स वेरे इन कलर लाइट ब्राउन टू पर्पल इसका कलर लाइट ब्राउन से पर्पल तक होता है एंड दीज आर यूजली इन टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इन डाया द कौवा बीन्स आर ऑल्सो सोर्स ऑफ द कोकोआ बटर वी आर गेटिंग इट द cocoa बटर also एंड दैट इज़ used फॉर मेकिंग कैंडल्स medicines एंड tanning लोशन मतलब कि कोकोआ bean से हम कोकोआ बटर भी गेट करते हैं और इस कोकोआ बटर से कैंडल्स बनती हैं मेडिसिन बनती हैं और टैनिंग लोशंस भी इससे बनते हैं वट आवर द जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स विच आर नीडेड फॉर द कोकोआ कल्टिवेशन कोकोआ कल्टिवेशन के लिए कौन कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशन है जहाँ पर ये ग्रो कर सकता है बिकॉज इट कैन नॉट बी ग्रोन इन ईच एंड एवरी प्लेस तो ये कौन से एरियाज में ग्रो करता है जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो मीन्स इट वेल ग्रोज इन द ए एरियाज ऑफ द गुड रेन फॉल मीन्स हेयर द रेन फॉल शुड बी टू हंड्रेड सेंटीमीटर टू थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर दैट इज द अमाउंट ऑफ द रेन फॉल विच इज़ नीडिड फॉर इट कोकोआ क्रॉप ऑल्सो रिक्वायर हाई ह्यूमिडिटी एंड इट इज सेंसिटिव टू ट्रॉप सेंसिटिव टू ड्रॉट मीन इसको ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए और जो एरियाज जहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती जहाँ पे ड्रॉट कंडीशन होती हैं वहाँ पर ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं करता और जो इसको टेम्परेचर चाहिए दैट इज़ हॉट वेट इक्वटोरियल लो लैंड बिकॉज इन द इक्वटोरियल लो लैंड एरियाज द सन रेज ऑलवेज फॉल वर्टिकल एंड ड्यू टू दर्टिकल सन रेज द टेम्परेचर इज़ हाई एंड दिस एरिया Every day get the good amount of the rainfall means here we are having hot and wet type of climate, and this area extends from the equator, say 5 degree north, and from equator 5 degrees south. That is the equatorial region, and where this plant grow very well, and it needs the temperature of 23 degrees Celsius. And in case of the soils, it grows well where it grows well cocoa plant need well drained fertile soil loamy soil which is rich in iron and potassium that is suitable for the cultivation of this cocoa plant then shade why it is grown under the shade for giving the shade because we want to protect this plant from the direct sunlight because equatorial region is a region where the sun rays fall vertical and we will have to protect this plant from the direct sunlight that is why we are growing the shady trees and among that shady trees the banana trees are grown here on a large extent strong winds are also harmful for this plant after that we are having the labor in case of the labor कोकोआ कल्टिवेशन इज़ अ लेबर इंटेंसिव कल्टिवेशन व्हाट इट मीन्स कि इसके लगाने से लेके इसकी हार्वेस्टिंग तक हमें लेबर चाहिए और लेबर क्या काम करता है हार्वेस्टिंग सीजन में लॉट ऑफ वर्कर्स आर नीडेड फॉर इट कटिंग करता है ये कट्स डाउन द पॉट्स पॉट्स को कट करके फिर उसको स्प्लिट करता है स्प्लिट मतलब उसको बीच में से उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है ताकि हमें उसमें से सीड्स मिल सकें फिर फर्मेंटिंग होती है फिर उसको ड्राई किया जाता है सुखाया जाता है फिर उसको सैकिंग की जाती है उसको पैक किया जाता है बीन्स को उसके बीन्स निकाल कर उनको पैक किया जाता है और इन सब के लिए हमें लेबर चाहिए सो गुड अमाउंट ऑफ लेबर इज़ नीडेड सो ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन मीन्स वेन वी विल हैव टू कट डाउन दिस कोकोआ पॉट देन ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन द होल फैमिली पार्टिसिपेट एंड इवन सम फार्मर्स हायर वर्कर्स पूरी फैमिली काम करती है और साथ में कईयों को वर्कर्स लेने भी पड़ते हैं हायर भी करने पड़ते हैं ताकि ये वर्क जो है सारा नाइसली हो, हो सके द होल फैमिली स्टार्ट वर्किंग अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह ही अपना काम सारी फैमिली शुरू कर देती है क्यों क्योंकि ये इक्ोटोरियल रीजन है यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और जैसे दिन एडवांस होता जाता है टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है तो उनको गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल लगता है तो अर्ली मॉर्निंग वो वर्क स्टार्ट कर देते हैं पिकर जो है इसको वो क्या यूज़ करता है लॉन्ग हैंडल नाइफ़ लॉन्ग हैंडल वाला नाइफ़ यूज़ करता है करता है ताकि वो जो पके हुए जो पॉड्स हैं उनको ब्रांचेस से और ट्रंक से अलग कर सके अप टू हेयर इट इज़ क्लियर सो दिस वीडियो आई आयल मेक ओनली अप टू हेयर Next, I'll send you today or tomorrow. Thank you.